IRCTC में किस तरीके से मिलती है नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी पूरी जानकारी। क्या पूछते हैं मतलब नौकरी कहाँ से मिलेगी हमको, अगर मान लो किसी को भेजना है आपके। महीना में 20 दिन बाहर और 10 दिन घर। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। IRCTC में किस तरीके से मिलती है नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी पूरी जानकारी। आ चुकी हूँ रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मैं पूरी चीजें जो है पता करने वाली हूँ कि किस तरीके से IRCTC में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब वैकेंसी मिलती है उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या सैलरी पैकेज आपको दिया जाता है, सभी चीजें हम यहाँ से पता करके आपको बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं IRCTC की ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ IRCTC में जो केटरिंग स्टाफ होता है इनकी पूरी जानकारी। दोस्तों, आपने ट्रेन में कभी ना कभी तो ट्रैवल किया होगा और आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि ट्रेन में चलने वाले केटरिंग स्टाफ को आखिर कितने पैसे मिल जाते होंगे, कितने घंटे ये लोग काम करते होंगे, क्या ये नौकरी सरकारी रहती है या प्राइवेट, इस नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आप में से कोई ये काम करना चाहे तो किस तरीके से ये नौकरी मिलती है। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको IRCTC का जो केटरिंग स्टाफ होता है जो कि आपको ट्रेन में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस नौकरी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ये नौकरी आखिर मिलती कैसे है, कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाती है, इस नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ये नौकरी सरकारी होती है या प्राइवेट होती है, पूरी जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, IRCTC के केटरिंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो आपने दो तरीके का स्टाफ देखा होगा। पहला स्टाफ जो कि आपको चलती हुई ट्रेन में सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा स्टाफ जो कि आपको स्टेशन पर रह करके ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्लस जो इनकी ऑन बोर्डिंग किचन है वहां पर भी काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले स्टाफ की जानकारी दूंगी जो कि आपको ट्रेन में रह करके पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ग्राउंड स्टाफ की जानकारी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मील ऑन व्हील केटरिंग स्टाफ की, यानी कि ट्रेन में चलने वाले केटरिंग स्टाफ की, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी पर लोग काम करते हैं। ये पोस्ट होती है सुपरवाइजर की, कुक की, हेल्पर की, एसी कोच अटेंडेंट की, स्टीवर्ड की, या यू कहें सेल्समैन की। और इन सभी पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और अलग अलग सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, जब हमने काफ़ी रिसर्च करी, प्रॉपर जो है जानकारी लोगों से जा कर के हासिल करी, तो हमें पता चला कि ये जो स्टाफ होता है ना, ये ट्रेन टू ट्रेन डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ पर दो तरह की ट्रेन चलती हैं। पहली जो ट्रेन है वो है स्पेशल ट्रेन, जैसे कि राजधानी हुई, दुरंतो हुई, शताब्दी एक्सप्रेस हुई। इन ट्रेनों में जब आप अपनी टिकट बुक करेंगे ना, तो आपका खाने का जो पैसा होता है ना, वो आपकी टिकट में ही इंक्लूड रहता है। वहीं हम बात करें एक्सप्रेस या मेल ट्रेन की, जिसमें स्लीपर कोच भी होता है, एसी में थर्ड क्लास कोच भी होता है, एसी का सेकंड क्लास कोच भी होता है और फर्स्ट क्लास कोच भी होता है, तो यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं ये अलग तरीके से हायर होते हैं और अलग तरीके से इनको पे किया जाता है। इन दोनों ही कैटेगरी में नौकरी की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाना चाहूंगी। जैसे यहाँ नौकरी वगैरह चाहिए होती तो कहाँ जाना पड़ता है, नौकरी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कौन सी नौकरी? ये वाली नौकरी के लिए। मेरी वाली? हाँ, बैंगलोर। बैंगलोर मतलब जहाँ से ये ट्रेन चलती है वहीं। 54। क्या पूछते हैं मतलब नौकरी कहाँ से मिलेगी हमको, अगर जो मान लो किसी को भेजना है आपकी नौकरी के लिए? बैंगलोर में रेलवे का कोई वो है मेन? वहीं पे से मिलता है। हर ट्रेन के लिए कि इसी ट्रेन? इस ट्रेन के। इस ट्रेन राजधानी है ना, इसमें फिक्स सैलरी देते हैं ना? सैलरी तो हम लोग का प्राइवेट है सर। तो कितनी सैलरी दे देते हैं? सैलरी नहीं, 2200 रुपया देता। अच्छा, उसमें टॉवल गुम होता है, चादर गुम होता है, तो उससे सैलरी से कटता। अच्छा,
कितना सैलरी पहले? 2200 रुपया 5 दिन का, एक पाँच दिन का है, 5 दिन के टूर का 2200 मंथली भी नहीं है? नहीं, जितने चक्कर 400 रुपये पर डे। उसमें टावल चादर का गुम होता है तो पैसा कटता सैलरी से। कितना काटते हैं? एक टावल का 50 क्वालिफिकेशन तो इसमें कोई चाहिए नहीं। एंट्री में ही देना पड़ता है मैनेजर को, नहीं तो वो करवा देगा सर। लगभग हो जाता है 18,000 का महीना हो गया है। और कितने दिन काम करना पड़ता है? तो जैसे गाड़ी चले जल्दी काम करना है। छुट्टी वगैरह नहीं? छुट्टी क्या, रेस्ट अपना 24 घंटा का दिन ही रहेगा। अच्छा, 4 घंटा का मिलता है। सिर्फ 5 घंटा हम लोग को इसमें आराम मिलता है। महीना में 20 दिन बाहर और 10 दिन घर। पगार 10,000 रुपया 10,000 रुपया और खाना पीना। खाना पीना। सो दोस्तों, जितनी क्लिप्स मुझे मिल पाई मैंने आप सभी को दिखाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और किस तरीके से आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नौकरी आती है तो आपको इनके बारे में पता कैसे चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये सारी नौकरी जितनी भी IRCTC में केटरिंग स्टाफ की आती हैं या अदर देन केटरिंग स्टाफ की आती हैं, ये सारी की सारी नौकरी प्राइवेट होती हैं, सरकारी नहीं होती। जी हाँ, तो सबसे पहली जो प्रोफाइल यहाँ पर होने वाली है ये होने वाली है कुक की पोस्ट की। जी दोस्तों, कुक की इस नौकरी में आपको काम जो करना होता है वो खाना बनाने का काम होता है। जो ट्रेन में खाना सप्लाई होता है या फिर यूँ कहें स्नैक्स सप्लाई होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। बहुत सारी ट्रेन में जो है खाना स्टेशन से चढ़ता है, लेकिन काफ़ी सारी ट्रेन में खाना जो है ट्रेन में ही पकता है। तो इस वैकेंसी में जो आपको सैलरी दी जाती है ये लगभग 10,000 से 12,000 दी जाती है और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगी जाती है ये 8th पास मांगी जाती है। इस वैकेंसी में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये वीडियो के अंत में बताऊंगी, क्योंकि बाकी सभी वैकेंसी में अप्लाई करने का तरीका जो है वो सेम ही है। सेकेंड पोस्ट की बात करें जो कि आपकी यहाँ पर हेल्पर की पोस्ट की है। गाइस, कुक के साथ कुछ हेल्पर भी होते हैं जो कि कुक की मदद करते हैं जब खाना ट्रेन में बनता है। तो यहाँ पर जो सैलरी हेल्पर को दी जाती है ये 8,000 से 10,000 के बीच में दी जाती है। क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए भी मिनिमम 8वीं कक्षा मांगी जाती है। अगली प्रोफाइल है ये है स्टीवर्ड या यू कहें सेल्समैन की। अगर हम स्टीवर्ड की बात करें यानी कि सर्विंग मैन की बात करें तो स्टीवर्ड आपको स्पेशल ट्रेन में दिखाई देंगे और साथ ही साथ AC कोच का जो फर्स्ट क्लास कोच रहता है किसी भी नॉर्मल किसी भी मेल ट्रेन में, वहाँ पर भी आपको स्टीवर्ड दिखाई देंगे। क्योंकि गाइस, स्पेशल ट्रेन में और फर्स्ट क्लास AC के कोच में आपका जो खाने का पैसा रहता है वो टिकट में ही इंक्लूड रहता है। तो खाने पीने की किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा अलग से पे नहीं करना होता है। तो स्टीवर्ड की सैलरी फिक्स होती है और इनको लगभग 10,000 से लेकर के 11,000 रुपये के आसपास फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, सैलरी के साथ साथ अगर इनकी सर्विसेज पैसेंजर को अच्छी लगती है तो इनको टिप भी मिलती है। अब बात करते हैं सुपर फास्ट ट्रेन में सेल्समैन की। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेल ट्रेन में या एक्सप्रेस ट्रेन में जाते हैं तो अगर आप पानी की बोतल खरीदते हैं आपको उसका पैसा भी देना होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्नैक्स या कोई भी चीज़ परचेज करते हैं खाने पीने की, उसका पैसा भी आपको इनको पे करना होता है। तो यहाँ पर जो सेल्समैन होते हैं उनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं रहती, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता है। कुछ भी ये चीज़ सेल करते हैं उसका कमीशन इनको मिलता है। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा तो ऑन एन एवरेज एक सेल्समैन तकरीबन 15,000 से 18,000 तक कमा लेता है।
इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जितनी वो मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा वो पैसा इसमें कमा सकते हैं। बात करते हैं अगली प्रोफाइल की, जो कि है एसी अटेंडेंट की। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो एसी अटेंडेंट की प्रोफाइल होती है ये केटरिंग स्टाफ में नहीं आती। दोस्तों एसी कोच अटेंडेंट जो हायर किए जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हायर किए जाते हैं। इस वैकेंसी में मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास रिक्वायर्ड रहती है। सैलरी पैकेज डिपेंड करता है ट्रेन टू ट्रेन, लगभग 8,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक जो सैलरी है इनको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जैसे कि ये जो एसी कोच में कंबल देते हैं, टॉवल देते हैं, पिलो देते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ मिस होती है, कोई भी चीज़ अगर चोरी होती है कोच में से, तो इनकी सैलरी में से पैसा डिडक्ट किया जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एसी कोच में या किसी भी स्पेशल ट्रेन में, याद रखिए अगर आप अपनी कोई भी चीज़ खोते हैं तो उस चीज़ की भरपाई एसी कोच अटेंडेंट करते हैं। और इन सभी वैकेंसी में, चाहे वो कुक की वैकेंसी हो या स्टीवर्ड की वैकेंसी हो या फिर कोच अटेंडेंट की, इन सभी वैकेंसी में आपको खाने पीने की फैसिलिटीज़ और जितने दिन आप ट्रेन में रहते हैं वहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये तो रही बात पोस्ट और क्वालिफिकेशन सैलरी पैकेज की, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन जॉब वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमने कई सारे ऐसे स्टाफ से बात करी जो कि ऑलरेडी इस नौकरी में काम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ एनालाइज करा और हमें पता लगा कि आप इस नौकरी में बहुत ही ईजी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल ट्रेन की फिक्स सैलरी वाली नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको IRCTC के ऑफिस में जा करके अप्लाई करना होगा। आप देख सकते हैं ये जो ऑफिस है ये IRCTC का ऑफिस है। मुझे ये ऑफिस ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारी ने ही बताया था, ये दिल्ली स्टेशन का ऑफिस है। इस तरह का ऑफिस हर बड़े स्टेशन पर होता है। आप इस ऑफिस में जा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से अपनी बात कर सकते हैं और नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको ये ऑफिस आपकी लोकेशन पर नहीं मिलता है तो आप किसी भी ट्रेन की पेंट्री में जो पेंट्री मैनेजर होता है उससे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे देंगे और फिर उनसे बात करके या उनके पास जा करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी ज़्यादातर जो लोग ये नौकरी करते हैं उन्हें इस नौकरी की जानकारी उनके किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त से मिली थी। ऑनलाइन इस तरह की नौकरी की जानकारी आपको नहीं मिलती, लेकिन हाँ जैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वैसे और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर में IRCTC में आई हुई नौकरी की जानकारी आपको हमेशा मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस नौकरी के लिए आपको किसी तरीके का कोई पैसा नहीं देना होता है। इन केस अगर आपसे कोई सिक्योरिटी अमाउंट मांगता है तो आप उन पर तभी ट्रस्ट करें जब आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार उनके जरिए इस नौकरी में लगा हो। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस नौकरी के अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आती हैं जो कि मैनेजमेंट लेवल की होती है और उन नौकरी के लिए आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंटली आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर इन पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मेंटोर की वैकेंसी निकली है, साथ ही साथ वॉक इन इंटरव्यू भी चल रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मेंटोर के लिए। तो अगर आप इन वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली इन वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, मैंने इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें जो कि अपना करियर इस तरीके की लाइन में बनाना चाहते हैं या कोई ना कोई अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ या फिर कोई धमाकेदार इंटरव्यू के साथ या फिर कोई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।